नमस्कार भक्तगणों, आज गुरु पूर्णिमा और सोमवार एकत्र हैं। दोनों दिन ही शिव जी की पूजा की जाती है। सोमवार शिव जी की पूजा की जाती है और गुरु पूर्णिमा में उनकी दक्षिणा मूर्ति रूप की पूजा की जाती है। दक्षिणा मूर्ति के स्तोत्रम एवं ध्यानम लिखे थे आदि गुरु शंकराचार्य, जो शिव जी के अवतार थे। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद, जिनको शिव जी के अवतार माना जाता है, वो रामकृष्ण परमहंस, जिनको विष्णु के अवतार माना जाता है, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए थे और गुरु वंदनार्थ उन्होंने एक संध्या रति रचना की थी रामकृष्ण परमहंस के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपने गुरु को हर हर और शिव शिव बोल के संबोधित किए थे। तो आइए, हम लोग जगत कल्याणार्थ और हम सबके कल्याणार्थ और ये प्रार्थना लेकर कि हमें जिसको जो जो विद्या चाहिए शिव जी गुरु के रूप में हमें प्रदान करें, हम लोग ये दक्षिणा मूर्ति की ध्यान शुरू करते हैं। मौन वक्षया प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठं ते वसत् ऋषिगणैः अवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्र करकलितं चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपी समीपे भूमिभागे निशन्नं सकल मुनि जननां ज्ञानदाता रमारा त्रिभुवन गुरुमिशं दक्षिणामूर्ति देवं जनन मरण दुख छेद दक्षं नमामि चित्रं वटोतरुमूले वृद्ध्या शिष्या गुरुर्युवा गुरस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूले निवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने ॐ वद व्यक्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः।